हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे इंटीजर्स जो कि क्लास सिक्स से स्टार्ट होता है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथ्स में हर क्लास में, आगे आप किसी भी क्लास में चले जाइए, इंटीजर्स का यूज जरूर होने वाला है। तो जिस तरह से बचपन में काउंटिंग, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जरूरी है, उसके बिना मैथ्स को अज्यूम भी नहीं कर सकते, मैथ सोल्व करना सोच भी नहीं सकते कि हम आगे मैथ में बढ़ सकते, इसी तरह से इंटीजर्स का भी उतना ही बड़ा रोल है। अगर आप इंटीजर्स के क्वेश्चन सोल्व करने में पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, आप उस पॉइंट में कहीं भी वीक हैं, तो आप मैथ में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। उसके बिना आपको आगे आने वाले मैथ में बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप इतना पक्का कर लीजिए कि आगे कभी आपको आने वाले क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ी क्लास में होने के बाद टीचर ये समझाने आपको नहीं बैठेंगे। इसलिए अभी से अगर किसी कोई बड़ी क्लास में भी है, फिर भी उसकी इस कॉन्सेप्ट में कुछ कंफ्यूजन है, तो आज मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, वट कैसे होता है, कैसे कैसे याद करें, तो उस सब के लिए ये इंटीजर्स आज मैं टॉपिक लेके आई। और ये आज का वीडियो मेरा हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इसके बिना मैथ हम अज्यूम ही नहीं कर सकते, इसके बिना मैथ सोल्व ही नहीं हो सकता। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, क्योंकि बचपन में शुरू से क्या करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, वो जो स्टार्टिंग में पैदा होते हैं क्या सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं, यानी कि इसलिए उनको नेचर हो गया, एक तरह से नेचुरली हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स। उसके बाद एक जीरो और ऐड हो जाता है, और जीरो ऐड होने के बाद हमारे नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है जी। पॉजिटिव 1 2 3 हो गया, जीरो हो गया। बट नाउ कम टू द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में प्लस के साथ साथ माइनस और ऐड हो जाते हैं, यानी कि इंटीजर्स क्या है, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। यानी कि हम बोल सकते हैं इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक। यानी कि अगर आपकी नंबर लाइन है, हमने जीरो, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से प्लस इन्फिनिटिव हो गया, और इधर नेगेटिव नंबर और स्टार्ट हो जाते हैं, ये हो जाता है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि इसमें पॉजिटिव आएंगे, जीरो भी आएगा और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है जी। अब इंटीजर्स हो गया, बट अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं, इंटीजर्स के क्वेश्चन आते कैसे हैं, सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप ये चार फॉर्मूले, ये मतलब चार ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी साइन का खेल है, इंटीजर्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम प्लस नंबर सीख रहे थे, वो तो हो गया था, लाइक वही प्लस माइनस एड मल्टीप्लाई डिवाइड वही आएंगे, बट नेगेटिव नंबर आने के बाद बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो उस कन्फ्यूजन के लिए मैं आप यहाँ पे कुछ बता रही हूँ, उसको दिमाग में बिठा लीजिए, इस वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिए एक भी पॉइंट। अगर जिसका इंटीजर्स में कोई कन्फ्यूजन है, वो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर सेम साइन दिखे, यानी कि सेम साइन दिखे, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो क्या करना है आपको, ऐड कर देना है। क्या करना है आपको, ऐड कर देना है। सेम साइन है, आप बच्चे क्या सोचते हैं माइनस है ना, तो माइनस कर देते, नहीं, सेम साइन पे फोकस रखिए, सेम साइन है, ऐड कर दीजिए। उसके बाद आता है अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन दिख रहे हैं ना आपको, क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर चाहे प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस, आगे प्लस है पीछे प्लस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये हुई सिर्फ इन्हीं चार के बेसिस, ये जो मतलब जो चार ट्रिक है ना, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे मत याद कीजिए, ये दिमाग में बिठा लो, सेम साइन मीन्स प्लस, अपोजिट साइन मीन्स सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सब प्लस में तो ठीक है, और एक चीज़ और, उसके बाद ये ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आते हैं साइन कौन सा लगाएं। अगर आपके पास दोनों साइन प्लस के हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, दोनों साइन नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, ऐड होने के बाद नेगेटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट साइन में क्या होता है, अपोजिट साइन है, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सबसे पहले, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आंसर कौन सा आएगा, आंसर कौन सा साइन लगाए, इसमें यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसमें साइन कौन सा लगाना है, लार्जेस्ट नंबर वाला, यानी कि सिंबल किसका लगाना है, सिंबल किसका लगाना है, लार्जेस्ट नंबर का, लार्जेस्ट नंबर का,
यानी कि अगर यहाँ पे देख लीजिए, मान लो कोई फाइव है, टेन नेगेटिव का है और टेन में से फाइव है फाइव, तो आंसर क्या होगा माइनस फाइव। ऐसे यहाँ पे भी मतलब अपोजिट साइन में पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी नंबर है सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो अगर पाँच आठ दिख रहे हैं, आठ में से पाँच घटा दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद साइन देखिए बड़ा कौन है, एट, एट पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, एट नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, यानी कि बड़ा नंबर जिस भी साइन का है वही साइन आंसर में आएगा। अब आते इसके क्वेश्चन पे, ये तो समझ लिया, अब इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज एड, एडिशन कैसे करेंगे ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का ऐड कैसे करना है, यानी कि कोई आपको इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर मिल सकता है, आप उसका एडिशन कैसे करना है देखिए। ये हो गया थ्री प्लस सेवन, ये तो दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, प्लस हो गया, ओके। अब आते हैं माइनस थ्री प्लस सेवन, यहाँ पे बीच में प्लस है ना, इट मीन्स एडिशन हो रहा है, यहाँ ये ऐड हो रहा है। लेकिन अब ये मत सोच, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ बीच वाले साइन को देखते हैं, हाँ प्लस ये टेन लिख के आ जाएंगे, नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या था, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस ही काउंट होता है, वो ऐड होता है, ठीक है, यानी कि वो प्लस का साइन होता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं दिख रहा यानी कि वो क्या पॉजिटिव नंबर है। तो ये तो दोनों पॉजिटिव थे यानी दोनों सेम थे, तो मैंने क्या कर दिया ऐड। अब ये दोनों क्या है, नेगेटिव, सॉरी अपोजिट है ना, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेवन बड़ा सेवन में से थ्री माइनस कर दीजिए, फोर आ गया। अब साइन मैंने बोला लार्जेस्ट नंबर का सिंबल लगाना है, लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है सेवन, प्लस बड़ा है और ये प्लस का है, तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अब कोई और नंबर, एक तो इस तरह सिंपल आ जाएगा, एक यहाँ पे देख लीजिए टेन प्लस, अब अगर आपको देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाते इसलिए उनको ब्रैकेट में क्वेश्चन में डाल देते हैं। यहाँ आ गया माइनस टू, ठीक है, बीच में प्लस है यानी कि एडिशन, इंटीजर का एडिशन दिया है और ये आ गया माइनस टू, ये ब्रैकेट क्यों लगा है, दो साइन कभी भी एक साथ राइट नहीं किए जाते इसलिए उनको ब्रैकेट लगा दिया जाता है। आप सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या करना है आपको, टेन ब्रैकेट ओपन में भी वही चीज है, देखो अपोजिट साइन है यहाँ पे, अपोजिट साइन है यानी कि क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये दो साइन जो है वो एक, इनको तोड़ के एक ही साइन बना लेना है, ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन, टेन माइनस टू और आंसर क्या आ गया हमारा एट, ठीक है। एक और प्लस हो गया, एक दोनों नेगेटिव ले लीजिए, माइनस टेन प्लस माइनस ट्वेंटी। अब देखो ये वाला माइनस है, ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट प्लस माइनस, माइनस यानी कि अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा माइनस का साइन और ये आ गया ट्वेंटी। अब देखो आगे, अब आगे और देखो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों नेगेटिव दिख रहे हैं ना, दोनों नेगेटिव यानी कि सेम साइन है तो क्या हो जाएगा ऐड, यानी ट्वेंटी और टेन को ऐड कर लीजिए, क्या हो गया थर्टी। और साइन किसका, जो मैंने बोला है यहाँ पे क्या बोला था, जो भी साइन हो वही साइन आएगा, अब दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी क्या आएगा माइनस थर्टी, आंसर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये तो था एडिशन, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यही कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन में क्या, यहां पीछे में नेगेटिव साइन दिख जाएगा, वही देखो फाइव माइनस नाइन, बीच में माइनस है, ठीक है, ये तो मतलब इस सब्ट्रैक्शन के नाम का माइनस है। अब इनको सोल्व कैसे करना है, अब सोल्व करते टाइम बीच वाले साइन पे फोकस नहीं करना आपको, बीच वाला तो इसलिए कि यहाँ पे प्लस था मतलब एडिशन दे रखा है इंटीजर्स का, यहाँ माइनस मतलब इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन दे रखा है, बट आपको जब इसको सोल्व करना है उस टाइम आपको दोनों साइन पे फोकस रखना है। जो भी नंबर आपके पास, ये जरूर नहीं कि हमेशा दो ही मिलेंगे, थ्री भी मिलेंगे, फोर भी मिलेंगे, तो सभी नंबर्स के साइन पे फोकस करना आपको, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, अपोजिट साइन है, ये मैंने बोला जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव माना जाता है, यानी प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो नाइन में से फोर गए फाइव गए फोर आ गया, और मैंने बोला था लार्जेस्ट नंबर का सिंबल आएगा, लार्जेस्ट कौन है नाइन, तो ये माइनस है तो आंसर विल बी माइनस फोर। एक और आ जाइए, माइनस ट्वेंटी माइनस सिक्स, अब क्या यहाँ पे दोनों नेगेटिव यानी कि सेम साइन है तो यहाँ देखो आप ये मत सोचना बीस में से छह गए चौदह आ गए, नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे दोनों साइन पे फोकस करना है, दोनों क्या नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा एड, और साइन किसका, जो भी साइन है दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट वन और देख लेते हैं यहाँ पे, चलो थ्री का ले लेते हैं,
माइनस फाइव, माइनस सेवन, माइनस माइनस एट। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगा, क्योंकि मैंने बोला था दो साइन एक साथ नहीं आते। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों तो है, इसको देखो ये दो माइनस सेम साइन, मैंने बोला क्या बोल जाता है प्लस, तो ये क्या बन जाएगा प्लस, माइनस फाइव माइनस सेवन प्लस एट। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, जब आपके पास दो से ज्यादा नंबर आ जाए उस टाइम क्या करना है, आपको सारे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे कर लीजिए, नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे कर लीजिए, इकट्ठे मतलब पॉजिटिव के जितने भी वो सारे ऐड कर लीजिए, नेगेटिव के जितने भी है वो सारे ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव हमारे पास दो दिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया क्या गया माइनस ट्वेल्व, और ये क्या है प्लस एट, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो नेगेटिव ये क्या अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो इट विल बी माइनस फोर, ये हो गया हमारा आंसर। सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ गए। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। प्रोडक्ट में भी यही रूल है, सेम साइन तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन यानी पेयर ही नहीं बन रहा। इसमें आप थोड़ा पेयर बनाने का सोचिए, प्लस प्लस सेम साइन यानी पेयर बन गया, पेयर बन गया तो प्लस का साइन होगा, पेयर नहीं बन रहा अलग अलग है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस सिक्स मल्टीप्लाई फोर, ठीक है ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अलग अलग है, पेयर नहीं है इनका, यानी कि अलग अलग है ना डिफरेंट, तो क्या जाएगा आंसर, इनका मल्टीप्लाई 24 और आंसर भी नेगेटिव। अब आ जाते हैं माइनस टेन मल्टीप्लाई माइनस फाइव, टेन फाइव जब 50 हो गया ओके। अब साइन पे देखो दोनों नेगेटिव है, सेम साइन है, सेम साइन है, ऐड ऐड नहीं करना है, मतलब यहाँ पे क्या है सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कभी आप ऐड करने बैठ जाओ, मल्टीप्लाई का बस ये देखना है, मल्टीप्लाई ही करना है उसमें, यहाँ पे ये जो है ना इनके अकॉर्डिंग सिंबल लगाने हैं हमें, मतलब पेयर अपोजिट साइन है तो माइनस का आएगा और दोनों सेम साइन दिख रहे हैं तो प्लस आ जाएगा। अब इसके तीन या चार डिजिट के ले लेते हैं, माइनस सिक्स माइनस फोर थ्री माइनस टू। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, पहले इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री टू जा ये दो सिक्स, फोर जा ट्वेंटी फोर, थ्री टू जा सिक्स, ट्वेंटी फोर को सिक्स से करेंगे 144, ठीक है 144। अब देखो क्या करना है, बहुत सारे आ गए, अब कैसे करें, पेयर ढूंढिए यहाँ पे, दो नेगेटिव मिलके क्या हो गया प्लस, ये प्लस है ही ऑलरेडी, ठीक है ये नेगेटिव अकेला रह गया ना नेगेटिव, यानी कि ये सब तो प्लस हो गए और ये नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, आंसर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है थ्री का और ले लीजिए, माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री। अब देखिए यहाँ पे दो नेगेटिव प्लस बन गए, पेयर बन गया, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस और ये माइनस, वही हो गया, तो ये फाइव टू जै टेन थ्री जै थर्टी और नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो आंसर भी क्या आ जाता हमारा प्लस आ जाता, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड पे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसमें भी यही है सेम, प्लस प्लस यानी सेम साइन दिखे तो आपको आंसर भी प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और अपोजिट साइन दिखे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, माइनस सिक्स डिवाइड बाय टू, ठीक है यहाँ पे देखो क्या है नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव मतलब डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस का आंसर, और टू को करेंगे थ्री आ जाएगा। और ले लीजिए 96 डिवाइड बाय 12, ये तो सिंपल हो गया, हम इसको माइनस 12 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस है और एक क्या है माइनस, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा ये आंसर माइनस का, और ये आ जाएगा 12 8 96। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते तो क्या हो जाता, दोनों नेगेटिव एक तरह से ये इस तरह से होता है माइनस 96 और ये माइनस 12, तो ये ऐसे कट जाते हैं, ठीक है तो ये क्या आ जाता प्लस का डिवाइड। ये छोटे हैं ऐसे कर लीजिए, वरना आप इनको इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ले लीजिए 150 डिवाइड बाय 5, ये सिंपली हो जाएगा, अब लगा देती हूँ माइनस इस पे और माइनस ही इस पे,
अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 को करेंगे 30, 50 से करेंगे 30 आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटीजर्स के सारे प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन कैसे करना है। होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा साइन से रिलेटेड जो भी है। बस मेन आपको ये फोकस करना है, सेम साइन है, ऐड करना है और ऐड सब्ट्रैक्ट में, तो और डिफरेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करना है, सेम साइन है मतलब पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, और डिफरेंट साइन है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड में ये ध्यान रखना, ऐड सब्ट्रैक्ट में इनको सेम साइन दिख रहा है तो ऐड करना है और डिफरेंट है तो माइनस करना है, साइन बढ़ेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इंटीजर्स से रिलेटेड जो भी आपका मतलब सोल्व, ये सिंबल्स को कैसे सोल्व करना है। आगे हम पूरा सिंप्लीफिकेशन एक बार सोल्व कर लेंगे, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी लेवल बढ़ता है तब सिंप्लीफिकेशन में आपको इसी तरह से सारे साइन मिक्स दे देते हैं, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। बोर्ड मास एक रूल बनाया गया है जिसमें आपको सारे सिंबल एक साथ मिल जाए, प्लस माइनस डिवाइड भी, ब्रैकेट भी, सब कुछ। तो उसको कैसे सोल्व करना है हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप फिलहाल के लिए इस तरह से कोई भी नंबर अपने मन में सोचिए और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।